हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। इसे आप बनाकर एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और पूरे एक महीने तक खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं लड्डू। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम बेसन लिया है। 250 ग्राम बेसन के लिए हमने यहाँ पर 150 ग्राम घी लिया है, देसी घी है। कढ़ाई में घी डालेंगे, एक साथ पूरा घी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। गैस की आंच को बिल्कुल धीमी रखेंगे और बेसन डालेंगे। अब बेसन को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। बेसन को हमने अच्छे से घी में मिक्स कर लिया है। बेसन हमारा बहुत ज़्यादा सूखा है, थोड़ा सा घी और डालेंगे। और इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। जैसे जैसे बेसन हमारा भुनेगा, हल्का और पतला होते जाएगा। बचा हुआ एक चम्मच घी है, इसे भी हम डाल देंगे। देखिए, बेसन को हम जैसे जैसे भून रहे हैं, बेसन हल्का और पतला हो रहा है। इसी तरह से हम भूनेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, बेसन को हमने लगातार चलाते हुए ब्राउन होने तक भून लिया है। इसी तरह से ब्राउन होने तक भूनना है और पूरे घर में खुशबू आने तक। आप देख सकते हैं बेसन का कलर चेंज हो गया है, बेसन ब्राउन हो गया है। अगर आप बेसन को अच्छे से नहीं भूनेंगे तो बेसन में कच्चा टेस्ट आएगा। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे लगातार इसी तरह से चलाते हुए 5 मिनट तक पकाएंगे। क्योंकि कढ़ाई हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे तो बेसन हमारा जल सकता है। मिश्रण हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसमें हम पीसी हुई चीनी मिलाएंगे। 150 ग्राम पीसी हुई चीनी है। एक छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, लड्डू का टेस्ट बढ़ाने के लिए। इलायची का पाउडर बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सारे सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लड्डू आपको जैसे पसंद हो, छोटे बड़े लड्डू आप बना सकते हैं। हम इस तरह से छोटे साइज के लड्डू बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे लड्डू को बनाकर तैयार करेंगे। लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट बेसन के लड्डू बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।